मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइसेक्शन मेथड स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें बेसिकली जरूरत क्या थी इस मेथड को डेवलप करने की। आप लोगों में से मुझे कोई बता सकता है कि रूट किसे कहते हैं? व्हाट इज अ रूट? आर सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बेटा। किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? अच्छा, चले हाजरा से पूछ लेते हैं। जो जो मुझे नाम याद रहे नॉर्मल उनसे पूछते जाएंगे। जी बेटा, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6=0, एक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मतलब सॉल्यूशन किसे कहेंगे? एक्स की कौन सी वैल्यू है जिसको हम कहेंगे ये सॉल्यूशन होगा? सर, जो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे और जो उसका आंसर आएगा वो उसका सोल्यूशन होगा। मतलब हमें कैसे पता चल जाएगा कि वो इसका सोल्यूशन है? सर वो वैल्यू इधर पुट करेंगे और अगर इनको सेटिस्फाई करती हुई तो हाँ जी, यानी वैल्यूज जो एक्स हमने फाइंड की है, फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू आर आ गई हमारे पास, और आर जैसे ही हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, है ना? यस सर, ऐसे ही है। ये पूरी की पूरी साइड जो है ये 0 हो जाए तो हम कहेंगे आर इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये सॉल्यूशन हो गया अब इक्वेशन का, ठीक है? और इसी आर को फिर हम रूट भी कह रहे होते हैं। क्लियर हो गई ये बात अब? यस सर। ओके अच्छा, अब हम ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफिकली सॉल्यूशन का क्या मतलब। फॉर एग्जांपल हमारे पास तो इस तरह का ग्राफ है, किसी फंक्शन का ग्राफ है, लेट्स से ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। अब ग्राफिकली हम देखेंगे तो ये सॉल्यूशन हमें कहाँ पे नजर आएगा? इधर तो हमने ये पुट की वैल्यूज इन इक्वेशन में तो हमें सॉल्यूशन मिल गया, ग्राफिकली सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर दें सर, प्लीज स्टार्ट कर दें रिकॉर्डिंग। जी बेटा, अभी आप सुन लें, रिकॉर्डिंग हम देख लेंगे। आप मुझे बताएं इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली क्या होगा? हमजा जफर साहब हैं? हमजा यस जी बेटा, मैं ग्राफ, ये जो ग्राफ बना हुआ है, लेट से ये इसी फंक्शन का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स फॉर एग्जाम्पल। तो अब सॉल्यूशन यहाँ पे तो हमने कह दिया कि लेफ्ट हैंड साइड में वो वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो वो सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पे ग्राफिकली हमें वो कहाँ पे नजर आएगा? पे लेफ्ट साइड पे नहीं आ सकता भी? यस चलें जवाद से पूछ लेते हैं। जवाद, सर। सर बेटा जब हम उसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो वो दूसरी साइड पे आएगा, तो अगर वो इक्वल होंगे तो उनकी जो पॉइंट्स होते हैं एक्स वाले, तो सब वो जहाँ पे क्रॉस करते हैं तो वो फिर अगर वो इक्वल होते हैं तो ऐसे ग्राफिकली हमें शो होगा। मतलब जैसे पॉइंट्स कहाँ पैराबोला पे? की होती है बोथ साइड्स और राइट साइड,
अगर वो मतलब उसका इसमें वो भी होता है ना कि एंगल इसका चेंज हो, वो नीचे को भी आ जाते हैं, ऊपर को भी कब्जा आ जाती है। अच्छा चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यस बेसिकली हमारे पास, हाँ जी, ये जो प्रॉब्लम होती है वो इस तरह से होती है, वाई इज इक्वल टू, अगर मैं ऊपर वाले को दोबारा से रीस्टेट करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक प्रॉब्लम होती है हमारे पास। अब इस प्रॉब्लम में जब हम कहते हैं इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम वाई को 0 ले रहे होते हैं, समझ रही बात की, यानी इस इक्वेशन की बेसिकली दो इक्वेशंस बन जाएंगी, वाई को लेफ्ट हैंड साइड की भी इक्वल रख लिया हमने और वाई को राइट हैंड साइड की भी इक्वल रख लिया। तो अब हमने ये देखना है कि जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 और 4x माइनस 7y इक्वल टू 9। अब हम ये देखते हैं कि दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या होगा, तो हम कहते हैं इन दोनों की जो स्ट्रेट लाइंस, ग्राफ जो भी बन रहे होते हैं, वो जिस पॉइंट पे क्रॉस करते हैं वो इनका सोल्यूशन होगा। जिस पॉइंट पे क्रॉस करेंगे ये दोनों इक्वेशंस उसको सेटिस्फाई कर रही होंगी, इसलिए ये कॉमन पॉइंट जो होता है ये इनका सोल्यूशन हो गया। सिमिलरली ये जो हमने सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन लिखी है, इसको भी हम सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन को सिस्टम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब गौर करो कि वाई इक्वल टू 0 ये कौन सी लाइन है ग्राफ में, सर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है, एग्जैक्टली वाई इक्वल टू 0 हमारे पास ये लाइन है, ये आप ग्रीन में लिखा हुआ नजर आ रहा है, मसला तो नहीं है, यस सर, आ रहा नजर। चलें ठीक है, y इक्वल टू 0 ये हमारे पास लाइन हो गई है। अब हमने देखना है कि ये लाइन और ये वाला जो फंक्शन है ये आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये देखें, ये जी ये y इक्वल टू 0 लाइन थी और ये हमारे पास वो फंक्शन है, ठीक है, एक तो इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, फिर ये ऊपर जा रहा है और फिर इसने इस y इक्वल टू 0 लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो जिन दो पॉइंट्स पे इसने इंटरसेक्ट किया ये दोनों इसके सॉल्यूशंस होंगे, इनको रूट्स भी कह लेंगे और सॉल्यूशन भी कह रहे होते हैं, ये √1 कह लें इसको और ये √2 कह लें, ठीक है। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके मैक्सिमम दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो अब हमें ये पता चल गया कि कोई भी कर्व जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो वहां पे उसका सॉल्यूशन होता है, वहां पे उसका रूट होता है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कोई भी कर्व जब एक्सिस को क्रॉस करेगा, अब चाहे साइन का अगर आप ग्राफ बनाएं तो साइन का ग्राफ स्टार्ट होता है 0 से और इस तरह से मूव कर रहा होता है और ये मूव करता रहता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इसके इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं, ये सारे इसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं जहां जहां पे इसने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है। अब एक्स एक्सिस हमारे पास जो होता है बेसिकली ये वही लाइन है वाई इक्वल टू 0, तो इस लाइन को या एक्सेस को जब जब क्रॉस करेगा फंक्शन वो इसका रूट कहलाएगा। तो एक दो बातें अब देखो हमें पता चल गई कि हमने ये देखा कि नॉन लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, फिर देखा कि नॉन लीनियर इक्वेशंस, ये हमने कल डिस्कस किया था कि किसे कहते हैं, इसमें पावर 2 है, फिर ये देखा कि सॉल्यूशन इक्वेशन में क्या मुराद है उसे, तो वो आपने बताया कि जब हम उस वैल्यू को वहां पे सब्सिट्यूट करते हैं तो वो दोनों साइड्स बराबर आ जाती हैं, तो मतलब ये हुआ कि y इधर भी 0 आ रहा है और यहाँ पे भी x की वो वैल्यू ली जाए जिस पे ये राइट हैंड साइड 0 हो जाए, जब ये राइट हैंड साइड 0 हो जाती है तो हमारा मतलब दोनों इक्वेशंस बराबर हो जाती हैं, तो कॉमन पॉइंट्स हमारे पास आ जाता है। जी बेटा यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अब इसी पे हमारा मेथड डिपेंड करेगा आगे चल के ना। नो सर, क्लियर है। अच्छा चलें इसी बात को हम आगे लेके चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, ये हमने एक इक्वेशन ली है और लेट से इसका ग्राफ कुछ ऐसे मूव कर रहा है,
यहाँ पे जीरो ले लें, इस जगह पे हमने ये वन ले ली। अब आप देखें कि ये ग्राफिकली हमें लेट से सॉल्यूशन नजर आना शुरू हो गया है, लेकिन हमें वैसे इसका पता नहीं है कि ये सॉल्यूशन क्या होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा एक्स का जिसमें वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी अगर हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज जीरो, ये हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अब ये हमें जीरो और वन के बिटवीन पता चला है, नहीं पता चला, मैंने वैसे लिख दिया। लेट से अगर हमें ये भी नहीं पता कि ये जीरो और वन के बिटवीन है या नहीं है, ठीक है, हम जनरली देखे चलते हैं इसके बिटवीन होगा। हाउएवर हमें ये बात पता है कि ये ग्राफ पहले एक्स एक्सिस से ऊपर था, फिर ये एक्स एक्सिस से नीचे आया। अब कोई ग्राफ जब एक्स एक्सिस से ऊपर था और वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि उसने जरूर एक्स एक्सिस को क्रॉस किया होगा। और जब फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर होता है तो वाई पॉजिटिव होता है, इस वजह से उसकी सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। और जैसे ही फंक्शन एक्स एक्सिस पे क्रॉस करता है, उस पॉइंट पे एग्जैक्टली वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जब वो जीरो होती है तो ना हम उसको पॉजिटिव कहते हैं ना हम उसको नेगेटिव कहते हैं, लेकिन जब क्रॉस करके नीचे आएगा, क्योंकि अब वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इस वजह से ये सारा फंक्शन जो है इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होनी शुरू हो गई। अब यहां से हमें क्लू मिला कि रूट जो है बेसिकली फंक्शन की बिलोंग करता है जहां पे फंक्शन साइन चेंज करे, फंक्शन नेगेटिव से फंक्शन पॉजिटिव में चला जाए या फिर फंक्शन पॉजिटिव से फंक्शन नेगेटिव में आ जाए। तो ये जो हमारे पास आइडिया आ गया कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता था कि ये पहले फंक्शन नीचे से जा रहा और फिर ऊपर चला जाए, अभी इस केस में क्या होगा कि ये पहले नेगेटिव है और बाद में ये पॉजिटिव हो रहा है। इससे कोई बात समझ में आई हमें? हम फंक्शन के रूट को आप कुछ देख सकते हैं कि कहाँ पे होगा सिर्फ इस आइडिया से? जी सर। x माइनस कॉज ऑफ एक्स कैसे देखेंगे ये फिर? एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स लेट से ये इसको हम देखना चाह रहे हैं कि इसका रूट कहाँ पे मौजूद है। x माइनस कॉज ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये कहाँ पे हो रहा है, तो कैसे चेक करेंगे? एक्स की सर जो माइनस वाली है वो देखेंगे और वाई की पॉजिटिव, ये सर एक्स की पॉजिटिव और वाई की माइनस की सर। नहीं बेटा, ये देखो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज है ना, ये दोनों एफ ऑफ एक्स की हैं। आप ये एक और बात गौर कर लो कि जो वाई है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, वाई और एफ ऑफ एक्स ये बराबर हैं। यानी इस कर्व को हम एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं और इसको वाई भी कहते हैं। यानी जब एक्स की वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं, एक्स की कोई वैल्यू ली हमने, उसको फंक्शन में पुट किया, तो हमारे पास आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स। अब जो एफ ऑफ एक्स आंसर आएगा, इसको हम वापस वाई पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसके चेक करेंगे किस पॉइंट पे जो है ना एफ ऑफ एक्स किस वाई के बराबर आ रहा है, तो वो बेसिकली वाई की वैल्यू हुई होगी। तो दोनों एक ही बात है, एफ ऑफ एक्स और वाई ये दोनों एक ही चीज है। तो नेगेटिव भी एफ ऑफ एक्स है और पॉजिटिव भी एफ ऑफ एक्स है। हम ये करेंगे कि एक्स की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। एक्स की वैल्यू हम लेट से लेना शुरू करते हैं माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। लेट से हमने कहा कि रूट चेक करें क्या माइनस फाइव से फाइव तक रूट है या नहीं है। अब हम जब चेक करना शुरू करेंगे, मैं अब ये मिसाल के तौर पे लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ये माइनस था माइनस फाइव पे, माइनस फोर पे भी माइनस वैल्यू आ गई, लेकिन माइनस थ्री पे एकदम से पॉजिटिव वैल्यू आ गई, फिर आगे पॉजिटिव चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, और फिर टू पे फिर नेगेटिव आ गई, फिर ये नेगेटिव चल रही है, नेगेटिव चल रही है, नेगेटिव चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ तो बताएगा? ये जो साइन चेंज हो गया माइनस से यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और फिर पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया,
इससे हम कुछ डिड्यूस कर सकते हैं? यस सर, डिड्यूस कर सकते हैं सर। क्या कर सकते हैं डिड्यूस? सर ये नहीं पता। अच्छा चलें, ये भी सही है। रिड्यूस बेटा यही कर सकते हैं ना, देखिए ये माइनस, जब तक माइनस है इसका मतलब है यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव होगा अभी, जब माइनस है। जैसे ये पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन चला जाएगा ऊपर, फिर ऊपर चलता रहेगा चलता रहेगा, इस जगह पे फिर फंक्शन नेगेटिव हो रहा है कहीं पर। तो इससे हमें ये बातें पता चलेंगी कि रूट जो है वो एक रूट माइनस फोर और माइनस थ्री के बिटवीन है, और एक रूट जो है वो वन और टू के बिटवीन है। हम ये रिड्यूस करेंगे, हमें क्या पता चल जाएगा, उस रूट के इंटरवल पता चल जाएंगे। देखिए पहले हमें कुछ भी नहीं पता था कि रूट कहाँ पे है, ये जो आइडिया हमें मिला इसने हमें एटलीस्ट ये बता दिया कि रूट जो है वो वन और टू के बिटवीन लाजमी होगा, और माइनस फोर और माइनस थ्री के बिटवीन भी लाजमी होगा रूट। इस आइडिया से एटलीस्ट हमें एक इंटरवल पता चल जाता है कि रूट जो है वो किस जगह पे मौजूद होगा। अब ये बात क्लियर है आप लोगों को? कैसे? अच्छा अब आप लोगों को मैं 5 मिनट देता हूँ, आप लोग अपने कैलकुलेटर्स ले लें और x माइनस कॉज ऑफ x इक्वल टू जीरो इसमें ये वैल्यूज पुट करें, माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, और यहाँ पे आप लोग इसके चेक करें कि क्या आपके पास साइन आ रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक डमी वैल्यूज लेके यहाँ पे कर लिया था, लेकिन आप एग्जैक्टली जो है जो चीज आ रही है वो आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है बेटा, आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिव 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 और वन के बाद पॉजिटिव है वैल्यू। यस सर। अच्छा तो इट मींस के जो इसका रूट है एक्स, इट बिलोंग्स टू द इंटरवल जीरो एंड वन, इसमें ये रूट मौजूद है। ऐसे ही है? यस सर। सर ये स्केल मतलब इंक्लूड होता है या? जी सर ये स्केल ब्रैकेट क्लोज इंटरवल होता है या ओपन, ये नहीं सर भूल गया, थोड़ा ये बताइएगा। क्लोज इंटरवल होता है, इंक्लूड होती है। ये क्लोज इंटरवल है, जीरो और वन जो है ना, ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है सर। बहरहाल यहाँ तो हम जनरल बता रहे हैं कि इसके बिटवीन है ना, क्योंकि जीरो पे भी आंसर जीरो नहीं आ रहा, वन पे भी जीरो नहीं आ रहा, तो हमें तो पता चल गया, हम इसको ओपन भी लिख सकते हैं, इसमें इशू कोई नहीं है। अच्छा अब अगर हमें ये पता चल गया, आगे बात करते हैं कि जीरो और वन के बिटवीन रूट है, और हमें ये भी पता चल गया कि फंक्शन जो है वो पहले नीचे था और फिर ये ऊपर को गया, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि नेगेटिव है पहले सारा आगे पॉजिटिव है, ऐसी बात है सर। यस सर। अच्छा तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे नेगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, 0.5 कर दूं, अब हाफ पे से मुझे ये पता चल जाएगा या तो रूट जो है वो जीरो और 0.5 के दरमियान है, या फिर 0.5 और
0.5 फिर बताएं जी क्या इसका आंसर आएगा फिर फंक्शन का, ताकि हम ये डिसाइड करें कि लेफ्ट साइड पे रूट है या राइट साइड पे रूट है। सर नेगेटिव में आया है, माइनस में। माइनस में आया है। दूसरी एडिशन आ गई, उसने बता दिया 0.5 और 1 के बिटवीन है। अब हम क्या करते हैं, इसको और हाफ कर देते हैं, 0.75 कर लेते हैं। अब फिर चेक करते हैं कि हमारा रूट 0.5 और 0.75 के बिटवीन है या फिर 0.75 और 1 के बिटवीन है। ये बेटा 0.75 पे क्या वैल्यू आएगी? सर ये नेगेटिव आ रही है अभी भी, सर राइट मूव करना पड़ेगा। नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है कि रूट और फर्दर इस इन दोनों के बिटवीन है रूट, है ना, 0.75 और 1 के बिटवीन है। अब ये थोड़ा हमारे लिए कम्प्लेक्स होता जाएगा, बेटर ये है कि हम इसको एक फॉर्म में लिखते जाए, यानी हमें ए बी और एन इज फॉर नंबर ऑफ आइट्रेशन, और फिर हम क्या किया, हमने इसको हाफ कर रहे हैं, है ना। जीरो और वन को जब हाफ किया तो 0.5 आया था, इसका मतलब है अगर ए जीरो है और बी वन है और ये हमारी फर्स्ट आइटरेशन थी, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू कर रहे हैं हम, एंड लेट्स से वी कॉल इट पी, ये पी के बराबर है, और फिर पी को हम जो हमारे पास 0.5 था इसको दोबारा फंक्शन में पुट किया था, इसको एफ ऑफ पी कह लेते हैं, यानी पी माइनस कॉस ऑफ। तो 0 और 1 था, इसको हाफ किया तो हमारे पास 0.5 आ गया। हमारे पास 0 पे नेगेटिव था और 1 पे पॉजिटिव था, ये मैंने साइन याद रखने के लिए लगा लिया ऊपर, और 0.5 पे जब मैंने आंसर पुट किया तो कोई नेगेटिव कुछ आंसर आया, वो अब आप लोगों को पता होगा कि आंसर आया। पता है क्या आंसर आया था 0.5 पे? साइंटिफिक कैलकुलेटर है किसी के पास? यस सर, 0.499 समथिंग आया था सर। 0.499, चलें। वैसे हम मैं आपको बताऊंगा कि हमें कितने डिजिट्स तक लेकर चलना होगा। ओके, अब अगर हम सेकंड इटरेशन पे गए तो उसके बाद हमने ये देखा कि हमारा आंसर जो है वो 0.5 और 1 के बिटवीन आ गया। अब अगले में हमारे पास इंटरवल इस तरह बन जाएगा, अब 0.5 और 1 को हमने हाफ किया तो 0.75 आ गया, और इस पे आंसर हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव ही आ रहा है लेकिन क्या आएगा सर? 0.2499। ये बेटा मैंने सबको मैं ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप लोग जिस तरह हम चल रहे हैं साथ, इस तरह से आप लोग अपने कैलकुलेटर्स पे एक एक कैलकुलेशन कर रहे होगे, समझ लें कि आपको समझ भी आ रही है, और आप इसको दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उस वक्त भी आएगा। अगर आप लोग अभी सिर्फ देख रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा। गाड़ी अगर चलाते हुए देखने से गाड़ी चलानी आ जाती है ना, तो फिर सभी ड्राइवर होते हैं, तो गाड़ी चलाओगे तो चलानी आएगी। अब ये खुद से कैलकुलेटर चलाओगे तो फिर आपको कैलकुलेटर एग्जाम में भी चलाना आएगा। यहाँ पे अब आपने ऐसे नहीं बैठे रहना, कैलकुलेटर अगर आपके पास नहीं है, मोबाइल में आप जाएं एप्लीकेशन में जाके कैसियो कैलकुलेटर लिख के डाउनलोड कर लें, ये सेम आपके पास आ जाएगा कैलकुलेटर। मैं आपको यहाँ पे इसका आइडिया दे देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मोबाइल से अपने।
मेरी स्क्रीन शेयर होगी आपके पास? यस सर। जी सर। अल्फा और एक्स आ गया माइनस कॉस ऑफ, ये मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की अभी कैसी होगी ना, एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। अब जैसे ही मैं ये कैल का बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो मुझसे पूछ रहा है कि आपने क्या वैल्यूज लेनी है। मैं 0.75 यहाँ पे लिखता हूँ, 0.75 इज इक्वल टू, इस पे आंसर आ गया जी -0.24, -0.249914। तो ये इस तरह से आप अपने पास कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें और उसको आप इसमें यूज करें इजीली, ठीक है। अच्छा यहाँ से अब आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, पेज नजर आ रहा है मेरा आपको कभी नहीं आ रहा? सर नहीं आ रहा नजर। अभी नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा से करता हूँ। ये अब आपके पास अच्छा जी, अब ये अब देखिए हमारे पास, हमें ये पता चल गया कि रूट जो है 0.541 के बिटवीन था, 0.75 पे चेक किया आंसर पे नेगेटिव आ गया हमारे पास, और अब रूट आ गया 0.7541 के बिटवीन। अब इनको दोबारा से हम हाफ करते हैं, हाफ करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास अब रूट क्या आ रहा है। अब देखो ये आइट्रेशन हमारे पास चलती जाएंगी, आपने अब क्या करना है कि 10 तक जाना है आपने, ठीक है। और 10 तक आप जब आप जाएंगे तो मैं आपको अभी, तो आप ये डायग्राम के थ्रू ही चलोगे, यानी कि जैसे अब आपके पास डायग्राम थोड़ी बड़ी करते जाओगे, 0.75 है यहाँ पे, 1 है, ये नेगेटिव था, इस पे पॉजिटिव है, अब इसको हाफ कर लोगे दोबारा तो 0.8 क्या आएगा, याद है किसी को? डिवाइड करके देखो, 0.87 आगे भी कुछ होगा, 5 भी होगा, 0.875। ओके तो अब आप 0.875 पे चेक करेंगे और उनको फिर यहाँ पे लिखते जाएंगे। लेकिन जब ये 10 तक आप पहुंचोगे ना खुद से करते हुए, तो आपने साथ साथ देखते जाना है कि मैं अगर डायग्राम के बगैर कैसे चल सकता हूँ। लेकिन ये आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड बाइसेक्शन मेथड। हम रूट्स को हाफ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, यहाँ तक के हम जितनी अच्छी अप्रोक्सीमेशन चाहते हैं हम उतनी अच्छी अप्रोक्सीमेशन हासिल कर लेंगे। हमें एटलीस्ट अभी तक ये पता चल चुका है कि रूट जो है वो 0.7 इसका पहला डिजिट होगा, 7 जो है पॉइंट के बाद 7 इसका पहला डिजिट होगा, ये हमें पता चल गया है। एंड वी आर वेरी क्लोजर टू द रूट। ये देखिए जो हाइट है हमारे पास, ये 0.4 थी, अब 0.2 हो रही है, हाइट कम होती जा रही है। इसका मतलब ये होगा कि मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे हमारे पास ये जीरो है, यहाँ पे वन है। अब 0.5 पे जो वैल्यू थी पहले, उसकी हाइट नेगेटिव में थी, और अगर मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू नेगेटिव वन ले रहा हूँ तो ये -0.5 बनेगी और यहाँ पे बनेगी -0.4, ठीक है, इस जगह पे। अब 0.75 पे जब मैंने देखा तो मेरा फंक्शन जो है वो और करीब आ गया, -0.2, यानी इसके भी हाफ हो गया, इस जगह पे फंक्शन पहुंचा हुआ। इसका मतलब है फंक्शन यहाँ से नेगेटिव में आ रहा है, आते आते यहाँ तक पहुंचा हुआ है। अब हमने देखना है कि इस पे रूट क्या आ रहा है 0.875 पे। अब आपके पास पॉइंट एट सेवन फाइव पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है आप लोगों का?
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नो सर, नेगेटिव ही है अभी भी। नेगेटिव ही आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब एक वजह होगी इसकी, इसकी एक वजह ये होगी कि आप लोगों ने कैलकुलेटर जो है अपना वो डिग्री में रखा हुआ होगा, तो योर कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियन। सर पॉजिटिव आ रहा है, 2.0.2 समथिंग आ रहा है सर। ये बेटा आपका कैलकुलेटर जो है ना वो होना चाहिए रेडियन में, तो उसमें पॉजिटिव आ रहा है रेडियन में, स्टिल नेगेटिव, रेडियन में भी नेगेटिव आ रहा है 0.12488। अच्छा चले फिर ऐसे ही आ रहा होगा। अब नया क्या रूट बनेगा हमारे पास, इंटरवल क्या बनेगा इसका? भाई इसका आंसर बेटा पॉजिटिव आ रहा है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आंसर इसका आ रहा है यहाँ पे 0.875 पे, ये आ रहा है 0.23 4, सर यही आ रहा है 003, तो ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव आंसर आया इसका मतलब है कि अब हमारा इंटरवल ये वाला हो गया, पहले तो हम राइट वाला इंटरवल ले रहे थे, अब हमारा इंटरवल आ गया 0.75 और 1 जो है जो पहले आ रहा था सारा का, अब 1 खत्म हो गया, अब आ गया 0.875। देखिए हम वी आर फर्दर श्योर दैट कि हमारा आंसर जो है वो कितना किस इंटरवल के अंदर मौजूद है, और हम इसको क्लोजर होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है वो क्या होगा, और मतलब हमने कहाँ पे स्टॉप करना होगा, और हमें एक फार्मूला और भी हम देखेंगे कि हमें पता चल जाए कि ये कहाँ तक जाएगा, बल्कि अगर हम डिस्कस कर लें अभी टाइम तो है हमारे पास, आधा घंटा तो अभी है ना सर। जी बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है सर? नोट्स यहाँ पे वैसे अपलोड कर दो, वहां पे नहीं हो रहे असाइनमेंट में। अच्छा बेटा कर लीजिएगा, अभी आप इसको रहने दें, वो टाइम में आपको एक्सटेंड कर दूंगा, शुरू की क्लासेस हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अभी आप जो पढ़ा रहे हैं ना उसको समझ लो, आप उधर लगे हुए होगे तो ये समझ नहीं आना आपको, लेक्चर रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा आपका एमएस टीम पे, ठीक है? ओके सर। अच्छा जी, ये बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को, कुछ समझ ना आया तो पूछ सकते हैं आप। क्लियर है सर? ओके, फिर आप ऐसा करें डिस्कस कर लेते हैं इसको फर्दर, ये टेबल है कुछ मैंने 6 तक जो है इसको डेवलप किया है, यहाँ पे जब स्टार्ट किया था उस वक्त आप लोगों ने जो मुझे वैल्यू बताई थी वो नेगेटिव नहीं आ रही थी, क्योंकि आप लोग शायद डिग्री में कैलकुलेट कर रहे थे, तो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है रेडियन में, रेडियन में कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, उस पॉजिटिव आने की वजह से नेक्स्ट जो इंटरवल सिलेक्शन हो रही है ये इंटरवल सिलेक्शन उस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है? अब आपने गौर किया होगा कि जब आंसर जो आपने मिड वैल्यू ली है इस पे जब आंसर आपके पास नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव वाली वैल्यू को चेंज कर देता है, ठीक है? ये जो नेगेटिव साइड पे जो होती है वहां पे वैल्यू 0.5 अब नेगेटिव साइड पे आ गया। अब जब हमारे पास आंसर पॉजिटिव आया है तो 0.75 को अगर वहां पे रखना है हमने, उसको पॉजिटिव साइड पे रखा है, तो ये आप एक इंट्यूशन ऑटोमेटिकली ये डेवलप हो जाएगी, लेकिन जब तक ये डेवलप ना हो, आपको ये बात समझ में ना आए जो मैंने अभी आपको बताई है, तब तक आपने इस लाइन पे चलना है, लाइन को आपने नहीं छोड़ना। अगर लाइन को आप छोड़ोगे तो फॉर एग्जांपल आपने आप कह रहे थे कि आंसर आ रहा है 0.1 था और बीच में 0.5 आपने लिया, अब यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, आपने जाना था इस इंटरवल में, लेकिन एक गलती की वजह से आप इस इंटरवल में आ गए, आप कभी भी, क्योंकि आप तो इसको हाफ करते जाओगे तो आप कभी भी उस इंटरवल में वापस नहीं जा सकते, तो आंसर आपका गलत होता चला जाएगा, ठीक है? इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपके पास रूट जो है वो आगे चेंज आ रहे हो। अच्छा, आपका आपने अगर गलत चूज कर लिया आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता ऐसे चलेगा कि ये भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है,
और यहाँ पे तो आपने फिर पॉजिटिव समझा हुआ होगा, तब भी आपने गलती की होगी, तो आपने साइन चेंज कर देख लिया करें कि जहाँ जिस इंटरवल में साइन चेंज हो रहा है उस इंटरवल में आपने जाना है। और ये भी आपने ख्याल रखना है कि पूरे न्यूमेरिकल में आपने अपना कैलकुलेटर रखना है रेडियन में। अगर आप डिग्री में जाओगे तो आपके पास आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है बेटा, इस तरह मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको बुक के दिए दूंगा, वो आपने करने हैं, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होता है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया का मतलब ये है कि हमने कहाँ पे स्टॉप करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो फंक्शनल वैल्यू है, इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि एब्सोल्यूट एरर, ये इनको हमने एक दफा डिस्कस करना है एरर एनालिसिस में, लेकिन मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और इसी तरह रिलेटिव एरर ये होती है एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट डिवाइड बाई एग्जैक्ट, ये मॉड इन सबका होगा, ठीक है। ये एब्सोल्यूट एरर और ये रिलेटिव एरर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू मौजूद नहीं होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, आप ये अगर गौर करें, जब आप इसको प्रोग्राम करेंगे तो आपके पास ये आइट्रेशन चल रही होंगी, तो बेसिकली अगर ये पी की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हो जाएगी पी वन की, ये पी टू की वैल्यू होगी, ये पी थ्री की वैल्यू होगी, ये पी फोर की और ये पी फाइव की, लेट्स से। अब अगर हम यहाँ पे रिलेटिव एरर चेक करना चाहें तो एक क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि हम लास्ट टू आइट्रेशन जो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं, जो पी की वैल्यूज है, बेसिकली यही वैल्यू रूट को अप्रोच कर रही है, रूट के क्लोजर होती जा रही है, पी फाइव माइनस पी फोर डिवाइड बाई पी फाइव, हम यहां से ये एरर फाइंड करेंगे। और एक हमारा होता है टॉलरेंस, कि कितनी एरर हम टॉलरेट करेंगे, टॉलरेंस इसको हम एप्सिलॉन से भी शो करते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कि 10^-3 ये आपकी टॉलरेंस है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये होगा कि जो आंसर है आपका वो 10^-3 से कम होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 10^-3, बेसिकली इक्वल टू यहाँ पे यूज नहीं हो रहा होता, हम लेस देन ही यूज करते हैं, आंसर जो है इट शुड बी लेस देन 10^-3। तो अब यहाँ पे कौन सा आंसर एक्सेप्टेबल होगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा 10^-3 से छोटा डिजिट कौन सा होता है, कोई तो बताएगा 10^-3 से स्मॉलर डिजिट क्या है? 10^-4 सर, 10^-4 स्मॉलर है, और 0.0001, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आंसर में हमारे पास तीन जीरोस ना आ जाएं, हम 10^-3 तक नहीं पहुंच सकते। ये मैं काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, कि अगर आपके पास आंसर में तीन जीरोस ना आ जाएं, तब तक आप 10^-3 तक आपका यह टॉलरेंस अचीव नहीं होगा, क्योंकि 10^-3 से कम पे जाके रुकना है, और जो कम होगा वो 0.0001 होगा या इक्वलेंट टू 10^-4 होगा। तो अगर ये जो आंसर आपके पास आए P5-P4/P5, ये 10^-4 आ जाता है या इससे भी कम आ जाता है, एटलीस्ट 10^-4 आ जाता है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, दिस विल बी अवर स्टॉपिंग क्राइटेरिया। रिलेटिव एरर में भी ये कर लेंगे, अगर हम एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो उसमें भी हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं, यानी P5-P4 डिवाइड ना करें तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, तो वो भी अगर 10^-3 आपके पास आ रही है तो वहां पे भी आप स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन ये आपको बताया जाता है कि आपने रिलेटिव एरर चेक करनी है या एब्सोल्यूट एरर चेक करनी है। However, अगर आपको ये बताया ना गया हो कि आपने कौन सी एरर चेक करनी है, तो आपने हमेशा रिलेटिव एरर फाइंड करनी है। ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा, अब अगर आपने जाना है, आपको आंसर चाहिए 10^-4 तक करेक्ट चाहिए,
तो आप देखें आपको ये डिजिट भी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी, इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी, इसकी भी एग्जैक्ट, इसकी भी एग्जैक्ट। तो आपको कम से कम जो कंप्यूटेशन है वो 1 2 3 4, फोर्थ तो आपको चाहिए ना, तो आपके कम से कम जो वैल्यूज हैं वो 6 वैल्यूज आप कंप्यूट कर रहे हैं। 6 वैल्यू से कम अगर आप कंप्यूट करेंगे, राउंड ऑफ पहले कर देंगे, तो कभी भी आपके पास ये लेवल अचीव नहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देखें अगर 10^-3 लेके चलना है तो 4 डिजिट, ये 3 तो मुझे 0 बनाने हैं, 7 की जगह पे भी 0 बनाना है, 1 की जगह पे भी 0 चाहिए, सॉरी यहाँ पे नहीं, जब इनका माइनस करेंगे उसमें जो आंसर आ रहा होगा, जब माइनस करेंगे आंसर आ रहा होगा, इसका मतलब ये तीनों डिजिट्स बराबर होंगे, यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 8 बराबर होंगे, तो ये 3 जीरोस हमारे पास बनेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो 2 डिजिट और एक्स्ट्रा लेके चलने हैं साथ साथ, ताकि ये जो एरर का इफेक्ट है ना वो यहाँ तक पहुंचे ना। तो मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 10^-3 की आपने है तो आपने 5 डिजिट एटलीस्ट ये मेंटेन करने हैं आपने, इससे पहले आपने कट नहीं करना, जैसे राउंड ऑफ कर देते हैं या चॉप कर देते हैं, ये आपने 5 डिजिट के बाद करना है जाके, और 5 डिजिट के बाद भी जाके करेंगे तो आप उस तरह से आपने लेके चलना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे, ये अगर मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँ तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे अगर मैं स्टॉप करना चाहूंगा, ये अगला 9 है तो मैं इसको 8 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं सिर्फ डिजिट की बात कर रहा हूँ, सिग्निफिकेंट डिजिट्स की जब बात होगी वो उसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको पता है क्या होते हैं, पढ़े हैं कहीं? यस सर, 9th में पढ़े थे। हाँ जी, सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी यहाँ पे यूज हो रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इस केस में ये जो 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, जब हम डिजिट्स की बात करेंगे तो हमारे पास ये डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 डिजिट्स हैं यहाँ। तो इस तरह ये इसकी डिस्कशन भी हम एरर एनालिसिस में सिग्निफिकेंट डिजिट्स की भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक आपको ये बताया है कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया, एक एब्सोल्यूट एरर बता दी, एक रिलेटिव एरर बता दी, और फाइनली जो यहाँ पे जो हमारे पास ये फंक्शनल वैल्यू आ रही है ये भी हमें एरर बता रही होती है। अगर यहाँ पे हमारे पास 4 जीरोज आ जाए, 0 तो ऑलरेडी 0 आया हुआ है, एक तो आया हुआ है ना, ये 3 भी 0 आ जाए, ये 3 भी 0 आ जाए, ये 3 जीरो जब आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारा जो टॉलरेंस है वो अचीव हो गया, क्योंकि आंसर जो है वो 10^-4 के अराउंड हो गया। यानी अगर ये इसको ऐसे लिखें 0.00087 लिखा हो तो आप साइंटिफिक में जब जाएंगे तो ये हो जाएगा 8.7 × 10^-4, तो -4 का जो क्राइटेरिया है वो आपका अचीव हो गया है उस केस में, जब 3 जीरोस यहाँ पे आ जाए। तो थर्ड जो हमारे पास स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा फिर, वो होगा f(p>(10^-3), या इसको आप टॉलरेंस कह लें इन जनरल। ठीक है बेटा, तो हमारे पास पहला क्राइटेरिया आ गया रिलेटिव एरर का, उसको हम जनरली जब लिखते हैं pn/(pn-1), तो ये एब्सोल्यूट एरर का लिख लो, ये एप्सिलॉन हो गया। दूसरा जो हम लिखेंगे pn/(pn-1)/pn, एंड इट इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन अगेन। और थर्ड जो हमारे पास है वो है f(pn)(epsilon)। ये तीन हमारे पास क्राइटेरियाज हैं। n क्या है, n इज द लास्ट टर्म दैट यू हैव कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे हमने p5 ले लिया था, तो p5 और ये सेकेंड लास्ट होगी तो P4 हो जाएगा। इसी तरह जब आप फंक्शनल वैल्यू देख रहे होंगे तो P5 आप दे रहे हैं। ठीक है बेटा,